तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। हमने तो थ्योरिकल पार्ट को कवर कर लिया है, हमने आपके साथ टाइप ऑफ द माइक्रो, माइक्रो के डेफिनेशंस, माइक्रो से क्या क्या बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग माइक्रो कैसे एडिट करेंगे, रिकॉर्डिंग माइक्रो किस तरीके से हम एज ए डिक्शनरी के तरह इस्तेमाल करेंगे, टाइप ऑफ द माइक्रो, एल्गोरिथम क्या क्या होता है, माइक्रो कैसे डिक्लेयर करेंगे, सारी थ्योरिकल पार्ट को समझ लिया है। अब मेरे हिसाब से आपने भी इसको अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लिया होगा। हाँ जी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में कि माइक्रो प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, याद होगा आपको कि चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्कबुक, तीसरा होता है शीट्स और चौथा होता है रेंज। चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो फिलहाल मैं एप्लीकेशन को स्किप करता हूं क्योंकि ये आगे ये चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे, इस पे हम वर्कबुक, शीट्स और रेंज पे बात करेंगे। चलिए हम वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि जैसे आपने शुरुआत में जो बेसिक एक्सेल को सीखा था, याद होगा बेसिक एक्सेल जो आपने सीखा था, और बेसिक एक्सेल में जो चीजें आपने यूज की थी वो सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वीवीए प्रोग्रामिंग से। तो सबसे पहले क्या, हाउ कैन क्रिएट द न्यू वर्कबुक। एक नया वर्कबुक क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, क्या सर? तो उसका कोड होता है workbooks.add। ये नया वर्कबुक ऐड कर देता है। कंट्रोल एन जब हम करते हैं, जो नया कंट्रोल एन किया, इस नया वर्कबुक को सेव करना। अब बात करते हैं किसी फाइल को सेव करने का। तो फाइल का सेव करने का कोड होता है कि वर्क बुक्स, और इसमें हम इसका बताएंगे कौन सा बुक जो कि ओपन है हमारा, .xlsx या जो भी आपका पाथ है, .save as, और किस लोकेशन में। तो मान लीजिए कि f drive के अंदर, सॉरी, 2020 फोल्डर के अंदर 12.xls। अभी मैं आपको जस्ट कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इसको रन करके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है? देखिए कोड लिखने का तरीका क्या होता है, कोड लिखने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, कहां पे क्या करना। तो इस कोड में ना ही ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात है, ना किसी पर्टिकुलर एक्शन की बात है। एक नया वर्कबुक ऐड कर देना, क्लियर? बट हम सेव करने की बात आते हैं, तो वर्कबुक, कौन से वर्कबुक को? तो बुक वन को। क्या करना है? तो सेव करना। कहां करना है? तो इस लोकेशन में करना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट की डिटेल हो जाता है, ये आपका मेंबर या एक्शन कर लीजिए, और ये आपका मेंबर की डिटेल हो जाती है। क्लियर है? तो एक कोड का प्रॉपर्टी यही है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव होता है ना, उसी तरीके से ये भी, इसका भी एक कोड का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे रिलेटिविटी देखनी होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने जो नई फाइल ऐड की है उसको सेव करना है, अब वहां पे एक कोड परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? कि जो नई फाइल ऐड हुई है उसकी बुक में, उसका फाइल का नाम बुक वन ही हो, इसकी गारंटी नहीं है, क्या सर? तो यहां पे सिचुएशन भी समझना होता है कि हम जो एक कोड वर्क वहीं पे करेगा जहां पे आपका पर्टिकुलर फाइल को सेव करना हो, जिसका नाम आपको पहले से पता हो। लेकिन मुझे सेव करना है कोई पर्टिकुलर फाइल जो कि ऐड हुई है, जैसे कि इस कोड के बाद जो इस कोड से जो फाइल क्रिएट हुई है उसको सेव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जैसे ही कोई फाइल क्रिएट होती है वही एक्टिवेट होती है, जैसे मैं कंट्रोल एन कर दिया तो अभी सामने कौन सी फाइल है, अभी जो क्रिएट हुई है ना, बुक 3, वही है ना।
तो यहां पे एक है एक्टिव वर्कबुक, जो वर्कबुक एक्टिव है उसको यहां पे हम ले सकते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज और फिर लोकेशन डॉट, ये दोनों कोड एक साथ रन होगा, ये फाइल को क्रिएट करेगा, इस फाइल को सेव करेगा। समझ गया सर? ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो। अब मान लीजिए कि आपको पता है पहले से कि मुझे फाइल को ऐड करके सेव करना है, तो क्यों ना डायरेक्ट ही आप सेव किया हुआ फाइल में वर्क बुक्स डॉट ऐड डॉट सेव है। ठीक है, देखिए आपने वर्कबुक ऐड किया, इसमें मान लीजिए कुछ काम किया, काम करने के बाद आपको याद है कि आपको फाइल सेव भी करना है, तो आप सेव करने का कोड डाल दिया, तो यहां पे ये चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे वर्कबुक ऐड करते ही पता है कि हाँ वर्कबुक ऐड करना है, सेव करना है, उसके बाद कुछ काम करना है, तो फाइल को सेव ही करेगा, ऐड करके सेव करके ही लाएगा। मान लीजिए कोई फाइल, अब देखिए यहां पे वर्क, ये आपका वर्कबुक कब लेना है जिसमें किसी पर्टिकुलर फाइल का बोध ना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फाइल ओपन करना है, तो आप लेंगे वर्क बुक बुक्स डॉट ओपन, और यहां पे किस लोकेशन से फाइल ओपन करना है उस लोकेशन का आप नाम डाल। ठीक है, आप बोले हम पर्टिकुलर फाइल को ओपन तो करना है, पर्टिकुलर फाइल की बात तो हो रही है, फिर हमने इसके अंदर क्यों नहीं किया? देखिए ब्रैकेट में जो जैसे हमने ऑब्जेक्ट डिटेल हमने डाल रखा है, तभी परफॉर्म होता है जब ऑफिस लाइब्रेरी में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, तो बुक वन हमारा ऑफिस लाइब्रेरी में है क्योंकि तो ओपन है, लेकिन हम फाइल ओपन कर रहे हैं जो कि लाइब्रेरी से बाहर है, जब तक ओपन नहीं होगा तब तक वो लाइब्रेरी में नहीं आए, इसलिए हमने ये दिया, हमने फाइल को ओपन किया, तो यहां पे हमने फाइल को क्लोज किया, हमने इसको सेव कर दिया, सेव यहां पे हमारे पास सेव एज भी है, एक पर्टिकुलर फाइल को सेव एज करने का ऑप्शन है, हम फाइल सेव एज करके ही ऐड करेंगे, और यहां पे कोई पुराने फाइल को हम ओपन करेंगे, और अगर मान लीजिए कोई फाइल को जस्ट सेव करना है, नॉट सेव एज, अगर आपको उस फाइल का नाम पता है जैसे बुक वन बुक टू बुक थ्री वन टू थ्री, तो आप इस मेथड को ले सकते हैं कि डॉट सेव, नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि वो फाइल आपका एक्टिव है तो आप एक्टिव वर्क हो। यहां पे ध्यान रखिएगा कि इन दोनों मेथड आपके सामने दो मेथड है फाइल को फाइल हैंडलिंग करने के लिए, वर्कबुक एंड एक्टिव वर्क। वर्कबुक वाला भी पार्ट हम कब लेंगे, जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम हमें पता होगा तो, और एक्टिव वर्कबुक कब होगा कि नाम नहीं पता बट वो फाइल एक्टिवेट है। ये बात समझ में आ गई आपको सर यानी जी? हाँ जी, हाँ जी, डाउट तो नहीं है? नहीं जी। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, फाइल को ऐड करना सीख लिया, फाइल को सेव एज करना सीख लिया, फाइल को ओपन करना सीख लिया, फाइल को जस्ट सेव करना सीख लिया। ठीक है, और साथ में आप समझ रहे हैं कि कोड कैसे लिख रहे हैं। अब यहां पे अगला मान लीजिए कि अगर फाइल हमें कोई पर्टिकुलर फाइल हमने ओपन किया है तो उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। अब फाइल का नाम पता है तो आप क्या करेंगे, इस मेथड को लेंगे, यहां पे फाइल नेम होगा डॉट क्लोज। अब क्लोज के बाद एक दिक्कत होती है, जब भी फाइल को क्लोज करते हैं आप तो आपसे पूछता है डू वांट टू सेव, यस या नो पूछता है ना, सेव डॉट सेव। तो अगर आपको सेव करना है तो क्लोज के बाद ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स कर दे। आप वर्कबुक भी ले सकते हैं और आप एक्टिव वर्कबुक भी ले सकते हैं। एक्टिव वर्कबुक मतलब कि वो फाइल एक्टिवेट है, आपको पता है, दोनों से कोई एक ले सकते हैं, वो आपका एल्गोरिथम की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। फाइल को हमने यहां पे क्लोज कर दिया,
तो हमने फाइल को ओपन भी कर दिया, फाइल को क्लोज भी कर दिया, फाइल को सेव एज भी कर लिया, फाइल को सेव भी कर लिया, फाइल को हम ऐड भी कर ले। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो फाइलें हैं, मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है। जैसे मान लीजिए ना, आगे से कोड सीखेंगे कि आपने एक फाइल का डेटा कॉपी किया और फिर उसको दूसरे फाइल पे जाके पेस्ट करना, तो कॉपी पेस्ट का कोड तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि दूसरे फाइल पे जाएंगे कैसे। क्या जिन्हें हम लोग अल्ट एंड अल्ट टैब से जाते हैं ना, तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक नहीं चलेगा। आपको जिस फाइल पे जाना है उस फाइल का नाम पता होना चाहिए, बुक वर्कबुक्स, और यहां पे उस फाइल का नाम बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट एक्टिवेट। अब मान लीजिए कि आपको फाइल का नाम ना पता है, लेकिन आपको पता है कि फाइल दो ही है, तो यहां पे आप लिखेंगे वर्क बुक्स और यहां पे इंडेक्स नंबर टू दूसरा नंबर फाइल डॉट एक्टिवेट। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, दे सकते हैं विंडो। देखिए ध्यान रखिएगा, आप प्रोग्रामिंग जब भी टाइप करेंगे खाए तो स्मॉल लेटर में, नहीं तो कैपिटल टाइटल कैसे मत लीजिएगा। क्यों? मैं बताता हूं आपको। अभी देखिए, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, विंडोज का डब्लू बड़ा होगा तो बाकी सब छोटा हो जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि कोड हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, या कोई कोड ऐसा डाल देते हैं जो कि उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपने टाइटल के इसमें डाला तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोड एक्सेप्ट किया या नहीं किया। ऐसे आप स्मॉल लेटर करेंगे या कैपिटल लेटर करेंगे तो उसमें आपका एक लेटर छोड़ के बाकी लेटर को लोअर कर देगा, तो इससे मतलब हो गया कि हाँ इसका कोड एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं कोई कोड डाल देता हूं ना, आप देखिए इसका डी भरा हुआ नहीं भरा हुआ, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए? तो एक फाइल से दूसरे फाइल पर जाने के लिए हम इस तीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दो का इस्तेमाल बहुत रेयर केस में होता है, हम पहले वाले का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हम बात करते हैं फाइल में पासवर्ड लगाने के बाद, एक फाइल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अब यहां पे एक चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए कि अब मुझे एक्टिव वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट, और यहां पे हमने पासवर्ड डाल दिया। ये प्रोटेक्ट कौन सा होगा? ये आपका रिव्यू के अंदर जो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है उसको प्रोटेक्ट करेगा, जिसके करने के बाद आपका सीट फ्रीज हो जाता है, किसी नया सीट इंसर्ट नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते, किसी भी तरह का सीट पे वर्क नहीं होता। ठीक है? अनप्रोटेक्ट करना हो तो यहीं पे लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट अनप्रोटेक्ट इक्वल अनप्रोटेक्ट, यहां पे पासवर्ड ये अनप्रोटेक्ट है, लेकिन मुझे फाइल में ओपनिंग पासवर्ड डालनी है। हमें फाइल के अंदर में ओपनिंग पासवर्ड डालनी है। जैसे ओपन करते हुए पासवर्ड मांगता है ना, वो पासवर्ड का कैसे डालेंगे, चलिए हम बताते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम एक्टिव वर्कबुक। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं है वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक में?
any active verb no that's fine sir yahan pe aapne past verb dal okay just ek ek thodi si confusion hai jaise aapne abhi password equals 12 dala hai na main abhi bata raha hu wahi cheez samjha raha hu ye password kya karega ye aapka file ke andar mein jayega info ke andar mein jayega aur encrypt with password protect mein isme password dal dega ye aapki opening password dal dega पासवर्ड डालने के लिए आप जो है यहाँ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सेवेज आपने किया था ना वो सेवेज करते समय देखा है फाइल नेम फाइल फॉर्मेट पासवर्ड अब मुझे यहाँ पासवर्ड पे आना है तो फाइल फॉर्मेट नहीं डालना है मुझे डालना है तो डालिए नहीं डालना तो कोई बात नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आप कॉमा से स्किप कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दिया री राइट पासवर्ड वो भी डाल दिया मैंने ठीक है तो अभी भी कर सकते हैं अब आपका सवाल पे आते हैं कि हमने इससे पहले किसी भी कोड में इक्वल यूज नहीं किया है बट यहाँ पे इक्वल यूज किया है यहाँ पे दो चीजें समझ जाइए कि हमारे पास जो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है ये आपका मेंबर होता है डॉट के बाद मेंबर लगता है ब्रैकेट में जो होता है वो मेंबर डिटेल्स होते हैं और स्पेस के बाद जो ब्रैकेट में होता है ऑब्जेक्ट डिटेल होता है और स्पेस के बाद मेंबर्स डिटेल होते हैं जो मेंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं पहला होता है मेथड और दूसरा होता है आपका तीन तरह का होता है मेथड प्रॉपर्टी एंड इवेंट इवेंट जैसे कि फाइल को एक्टिवेट करना फाइल को ओपन करना एक्टिवेट में आता है इसमें इवेंट पे आता है तो जो मेथड होते हैं इवेंट को फिर फिलहाल स्किप कर दीजिए इवेंट को आप इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में सीखेंगे तो इसमें जो एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा मेथड होता है और जो प्रॉपर्टी होता है तो मेथड में हमेशा हमें स्पेस लगता है और प्रॉपर्टी में हमेशा इक्वल लगता है अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हाउ कैन आइडेंटिफाई कि जो मेंबर हमारा है वो मेथड है या प्रॉपर्टी है तो उसके दो तरीके हैं पहला तरीका है कि जैसे आप स्पेस मारते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आ गया ना एक्सप्रेशन पासवर्ड में आपको नहीं आया प्रॉपर्टी हो गया और ये तो चलो ठीक है एक एक और होता है फुल प्रूफ जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोटेक्ट डाला तो प्रोटेक्ट में आप देख रहे हैं एक ग्रीन कलर का बॉक्स है तो जिसमें ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है वो आपका क्या है मेथड है समझे ठीक और जिसमें ए हैंड का निशान दिख रहा है जो प्रॉपर्टी वाला का निशान होता है वो आपका प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल आएगा समझ गया ठीक है जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कैसे पता होगा कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा या मेथड आएगा जैसे आपने ऑब्जेक्ट तो लगा दिया उसके बाद प्रॉपर्टी देन मेथड जैसे कि ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे तो हमें क्या करना है हर एक्शन के लिए अलग अलग हमारा मेंबर्स हैं ऑब्जेक्ट हो गया लोकेशन अब आती बात आती है कि हमें करना क्या है उसके हिसाब से हम चूज करते हैं अपना मेंबर जैसे मुझे सेव एज करना है तो सेव एज का मेंबर होगा ऐड करना है तो ऐड का मेंबर होगा ओपन करना है तो ओपन मेंबर होगा क्लोज करना है तो क्लोज मेंबर होगा एक्टिवेट करना है एक्टिवेट तो डालेंगे ना ये तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट तो फाइनल हो गया इसमें हमने अभी आपको सिखाया अलग अलग मेंबर ही तो सिखाया तो हर काम के लिए अलग मेंबर होता है समझे ठीक है तो मेंबर में 90% मेंबर जो एक्सेल पे जो वर्क होता है उसी से रिलेटेड नाम होता है 90% 10% अलग होता है बट 90% नेम वही होता है जैसे आप यहीं पे देख लीजिए ना सेव एज करना है तो सेव एज ही नाम है ना पासवर्ड करना है तो पासवर्ड ही नाम है प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट ही नाम है ना ठीक समझे तो हम अपने जो मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम मेंबर डालते चले जाएंगे ऑब्जेक्ट और मेंबर चूज करते जाएंगे समझ गए ठीक है कोई डाउट तो नहीं इसमें सर नहीं अब दूसरी चीज क्या है कि जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं एक तो इंफॉर्मेशन लेता है और एक इंफॉर्मेशन देता है जैसे कि आपने देखा ये
पासवर्ड, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे फाइल नेम चाहिए, तो हमने यहां पे F इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फाइल नेम, नहीं ये नेम होता है नेम, ये क्या करेगा F के ऊपर जो एक्टिव फाइल है उसका नेम स्टोर कर देगा। F इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, फाइल का लोकेशन ऐड कर देगा, इक्वल टू एक्टिव डॉट फुल नेम, इसकी कंप्लीट फाइल का पाथ और नेम दोनों स्टोर कर देगा, समझे? हेलो, हाँ जी मैं यही देख रहा हूँ एक्चुअली। वो तो पता लगे कि एक नेम देगा, एक आपको पाथ देगा, एक आपको फुल नेम देगा उस एक्टिव वर्कबुक का, बट आपने जो एफ एफ एन एन एफ एल इक्वल्स लगाया है, लाइक ये क्या है? देखिए बात ये है कि ये आपका इन्फॉर्मेशन देता है ना, सिर्फ लेने वाला चाहिए तो इन्फॉर्मेशन किसको देगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेगा? तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए हमने वेरिएबल ले लिया था, जैसे इनपुट बॉक्स के लिए लिया था मैंने। ओके ठीक है, हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, बट आपको अगर आपकी सम सम टाइम कम हो तो पीसी में विदाउट डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ नहीं एक्सेप्ट करता है। हाँ जी वो मेरे और मुझे डिफाइन करना पड़ा था। हाँ तो ये चीज है कि आप अगर इसमें बुक वन बुक टू पर डबल क्लिक करके कोड करते हैं तो वहां पे डिफाइन करना पड़ता है। ओके तो आपको वेरिएबल्स है तो ये इन्फॉर्मेशन देता है, तो इन्फॉर्मेशन लेने वाला कोई चाहिए। जैसे कि जब प्रॉपर्टी लगता है तो इक्वल के दो तरफ पार्ट होते हैं, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन आपका लेने वाला है इसने दिया, तो यहां भी तो कोई देने ले चाहिए ना साइड चैन में, क्योंकि राइट जो हमारा राइट साइड होता है, जो हमारा लाइट राइट साइड होता है वो रिसीवर होता है, और लेफ्ट साइड हमेशा गिवर होता है, तो इक्वल के राइट साइड रिसीवर होता है, लेफ्ट साइड गिवर, सॉरी लेफ्ट साइड रिसीवर होता है और राइट साइड गिवर होता है, ठीक है? तो ये इस यहाँ पे क्या है, ए रिसीवर है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है और ए दे रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ए रिसीवर है और ए गिवर, ओके ठीक है? तो जो मेथड है वो दो तरह के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई, ठीक है, जो हम फ्रिक्वेंसली यूज करते हैं। आप फाइल में इससे ज्यादा क्या करते हैं, एक फाइल पे फाइल नया क्रिएट करते हैं, उसको सेव या सेव एज करते हैं, आप उसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या अनप्रोटेक्ट करते हैं, या फिर उसके पासवर्ड बनाते हैं, इसके अलावा कुछ और करते हैं आप फाइल के साथ? मोस्टली तो ही काम करते हैं ना आप। हाँ जी, लेकिन फिर भी आप वर्कबुक के बारे में पूरी ऑब्जेक्ट लिस्ट चाहते हैं, जैसे आपने डॉट लगाया था तो इसमें आपने बहुत सारे पार्ट देखे थे, उसका लिस्ट चाहिए, तो उसका लिस्ट आपको एक्सेल खुद दे देगा। कहां से? ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना सर? इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए, ये सारे कोड को आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? ट्राई करने के लिए आपको एक माइक्रो में नहीं होगा, ऐसे बोलेंगे एक माइक्रो में आर आर को रन कर दू तो नहीं, क्योंकि कोई कोड किसी से रिलेट नहीं है, हमने आपको ऐसे ही इसको एक्सप्लेन किया है नोटपैड पे जस्ट लिख के। आपको रन करना होगा तो एक लाइन में एक कोड दिखेगा, या फिर एक लाइन में एक या दो ही दोनों आपस रिलेट करेगा, फिर इस अगले माइक्रो में यही यूज होगा, उसके अगले यूज होगा, समझ गए? तो लेकिन इसको ध्यान रखिए, ये सब आपको याद होनी चाहिए सर, ये आपको याद करने पड़ेगा। ओके ठीक है, कैसे क्या होता है, मैंने कि क्योंकि मैंने इसे बताया कि 90% तो नेम वही है जो आपकी जरूरत है, तो आप एक बार इस तरह इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है जी? तो जैसे आप जैसे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंट साइट खुलेगी, इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा वीवीए रेफरेंस, इस पर क्लिक कीजिए,
वेवी रेफरेंस के बाद आपको दिखेगा कंसेप्ट, कंसेप्ट में आपको कुछ माइक्रो के एग्जांपल दिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मॉडल पे आइए, ऑब्जेक्ट मॉडल पे आपके सामने यहाँ पे ये लिस्ट आपका है, ऑब्जेक्ट मेथड। हाँ, ऑब्जेक्ट मेथड पे आते हैं, ये देखिए ये सारा ऑब्जेक्ट है जो वीवी में यूज होता है। तो क्या है कि ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट को भी अलग अलग से यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे पिवट टेबल ऑब्जेक्ट तो है लेकिन शीट का एक्टिव शीट या शीट का मेंबर है, खुद भी एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट मेंबर सब मेंबर ऐसे कहलाता है। जैसे कि वर्कबुक डॉट शीट्स डॉट रेंज A1 डॉट सिलेक्ट या A1 डॉट कॉपी, तो वर्कबुक ऑब्जेक्ट हुआ, शीट सब ऑब्जेक्ट हुआ, उसके सब्जेक्ट रेंज हुआ और आपका कॉपी जो हुआ वो मेंबर हुआ। ऐसे आपको रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेंज, तो रेंज A1 ऑब्जेक्ट हुआ, फॉन्ट आपका मेंबर हुआ और फॉन्ट में कलर उसके सब मेंबर। तो यहां पे आपको दिखेगा, देखिए वर्कशीट ऑब्जेक्ट आ गया, यही भी आपको दिखेगा वर्कबुक। देखिए वर्कबुक और वर्कबुक्स दो अलग अलग है। अगर हम वर्कबुक की बात करें, लेकिन कोड में वर्कबुक ही दिखाता है, समझे। वर्कबुक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगा कि इवेंट कौन, इवेंट को छोड़ दीजिएगा, मेथड कौन सा है और यहाँ आपके प्रॉपर्टीज कौन कौन सा दिख रहा है, लिस्ट एक्टिवेट। अब इसमें बात समझ लीजिएगा कि जो आपको एक्सेल में पता है उसी को देखिएगा। जैसे कि एक्टिव, आपको पता है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस क्या होता है, जो चेंजेस किए उसको एक्सेप्ट कर देगा ना। कहाँ पे यूज होता है, कहाँ, क्या, कौन सा ऑप्शन है? नहीं ये नहीं मुझे पता, जो पता नहीं है उसको यूज मत कीजिए। हालांकि मैं बता दूं क्या होता है ताकि आप क्वेश्चन ना रहे। जब हम रिव्यू में शेयर करते हैं ना, शेयर वर्कबुक शेयर करते हैं ना, शेयर करने के बाद क्या होता है कि दो से तीन, दो लोग से ज्यादा इस फाइल को नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं ना। मतलब शेयर ड्राइव फाइल पड़ा हुआ है, एट ए टाइम आपको तीन लोगों से यूज करवाना है, तो तीन लोग यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद जैसे आप शेयर करेंगे तो आपको दिखा देगा कि तीनों ने क्या क्या चेंज किया है, आपको उसकी चेंजिंग एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके, तो वो होता है। तो ऐसे एक्टिवेट हो गया, आप एक्टिवेट को क्लिक कीजिए। ब्रेक लिंक क्या होता है पता है आपको सर? वो शीट को ब्रेक करना होता है, जैसे हमारी जैसे वर्ड में होता है ना। नहीं, पता है या अभी ऐसे तुक्का मार रहे हैं, फिर बताइए। नहीं, मैं तो लेटर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जैसे हम लेटर्स लिखते हैं। एक गलत है। टीचर के साथ कभी ऐसा मत कीजिएगा। क्या होगा उसे, क्या होगा कि टीचर समझ लेगा कि आपको आता है और उस पे उसकी डिटेलिंग आपको नहीं बताए। ठीक है, यहाँ पे कोई और नहीं है, यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, आपके नंबर्स नहीं कट रहे हैं या फिर बैच में कोई गर्ल्स नहीं है जो आपकी मजाक उड़ा देगा। नहीं ठीक है, आपको नहीं आता है तो एक्सेप्ट कि सर मुझे नहीं आता है, ताकि मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर सकूं डिटेल। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस पर डिटेल कर दिया ना, तो ऐसे इस पर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग का मतलब होता है कि जब आप एक फाइल से दूसरे फाइल में फॉर्मूला लगा देते हैं, अगर वो फाइल लोकेशन से हट गई, जैसे मान लीजिए फाइल ए और फाइल बी है, तो फाइल ए में वी लुकअप लगाया और फाइल बी के डेटा को लिंक किया, डेटा को लुकअप किया, वहां से लुकअप किया, तो क्या होगा कि फाइल बी के अंदर में जो फाइल बी अपने लोकेशन से हट गया, डिलीट हो गया या मूव हो गया, जब फाइल ए ओपन करेंगे तो आपको वहां पे अपडेट लिंक का ऑप्शन आए, आता भी होगा सर। सॉरी, तो यहाँ पे जब दो फाइलों
जब आपस में लिंक होता है, एक फाइल आपका लोकेशन से हट जाता है, जब फाइल ओपन करते हैं, फार्मूला वाली फाइल ओपन होती है, तो आपसे अपडेट लिंक मांगता है। अब प्रॉब्लम होती है कि अपडेट लिंक में आप क्लिक करेंगे, वो फाइल अगर दूसरे लोकेशन पे है तो चलो आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लो फाइल को आपने डिलीट ही कर दिया, तो अपडेट लिंक तो नहीं कर पाएंगे ना। ओके, हर बार ओपन आएगा तो हर बार आपसे अपडेट लिंक अपडेट लिंक अपडेट लिंक पूछेगा। उससे अच्छा है कि उस लिंक को ब्रेक कर दिया जाए, वहां पे बोलते हैं ब्रेक लिंक, समझे? ओके, तो इस लिस्ट में आप देख लीजिएगा जो आपका जो आपको सुटेबल लगता है, जो आप जानते हैं उसको क्लिक, जैसे कि सेव एज की हम बात कर, सेव एज को क्लिक किए और क्लिक करने के बाद इसका डिटेल पढ़ लीजिए, इसका यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देगा, समझे? दिखा आपने एग्जांपल दे दिया, और यहाँ पे इसके मेंबर की क्या क्या जो डॉट लगाते हैं तो क्या क्या होता है, जैसे कि फाइल फॉर्मेट, तो फाइल फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं, क्लिक करते हैं फाइल फॉर्मेट की लिस्ट आ जाएगी आपको, आ गई ना, एडिंग्स एक्सेस, अगर फाइल फॉर्मेट देना है आपको तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दे सकते हैं कि फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे लास्ट में बताया था ना कि हमने स्किप किया था, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट यहाँ पे स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने लास्ट एक्सटेंशन लगा दिया हुआ है, बट एक्सटेंशन .xls.xlsx के लिए लगता है, अगर कोई भी एक्सटेंशन हो जैसे xlsb हो या xlsm हो तो आपको वहां पे उसका फाइल का फॉर्मेट देना होता है कि किस फॉर्मेट पे फाइल को सेव करना है, क्लियर है? तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये लिंक हम आपको भेज दे रहे हैं, ठीक है। लिंक निकालने का तरीका जान गए, अगर मान लीजिए कि मिस हो जाता है तो आप खुद ब खुद भी निकाल सकते हैं। यहाँ वर्कबुक है और यहाँ पे ऊपर आपने दिखेगा वर्कबुक्स, यहाँ वर्कबुक्स दो ऑब्जेक्ट है, वर्कबुक में जैसे कि ऐड करना, क्लोज करना, ओपन करना, ये कुछ इवेंट है, ऐड करना, क्लोज करना, ओपन करना, ये मेन चीजें होती है, वो है। तो आप इनके जो जो चीज आप यूज करते हैं ना उसी का आप यहाँ पे देखें, जो यूज ना करते हैं उसको आप, जो नहीं आता है तो अगर उसको आप पहले से देख सकते हैं तो देख लें, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है जी कि मुझे यही आइडेंटिफाई अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि कौन सा मेथड है एंड कौन सा वो उसकी प्रॉपर्टी है, इसी लिए थोड़ा लिस्ट, यहाँ लिस्ट दिया हुआ है सर आपको, ये देखिए ना, को छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है, मेथड दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टीज लिस्ट दिया, इवेंट देखना चाहे तो ऊपर इवेंट भी है, इवेंट को फिलहाल छोड़ दीजिए, इवेंट के लिए अलग एक हमारा सेपरेट टॉपिक होगा, ठीक है, ठीक है, लिस्ट दिया हुआ है आपको ना, और पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, जिसमें ग्रीन कलर का बॉक्सेस लगा है दोबारा बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है आपको, वीवीए पे, क्योंकि लिंक हमेशा रहेगा, चैट पे भेजा है जूम के चैट, ठीक है, तो वीवीए पे यहाँ एक क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है, क्लिक करते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंट साइट खुलेगी, ठीक है, उसमें आपको सबसे क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले यहाँ साइट से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करना है एक्सेल वीवीए रेफरेंस, उसमें सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट मॉडल, और ऑब्जेक्ट मॉडल जब आ जाएगा तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, वहां पर आपको वर्कबुक और शीट्स के बारे में पता चल जाएगा, तो इसके वर्कबुक पे आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, जो मैंने कोड बताया उस जो कोड मोस्टली यूज होने वाले कोड बताए, उसके अलावा लिस्ट है सारे जो कि जिस फीचर्स को आप जानते हैं उस फीचर्स के कोड आप एक बार देख लीजिएगा अपने एंड से, हालांकि आगे क्लास में बताऊंगा मैं आपको, फिर हम इसी तरह से कल हम एक्सप्लेन करेंगे शीट्स के ऊपर कि शीट्स को कैसे हैंडल करते हैं, फिर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ओके सर, Okay, bye. Okay, have a good day. Thank you.